आरके सिंह पर एक्शन लिया है। अपर निदेशक आरके सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई और ये निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर है, देहरादून से आपको बता रहे हैं, मंत्री गणेश जोशी ने ये बड़ी कार्रवाई की। उद्यान विभाग के अपर निदेशक आरके सिंह पर एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अपर निदेशक आरके सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यान विभाग के निदेशक है आरके सिंह और काम ठीक तरीके से न करने की वजह से उन पर यह कार्रवाई हुई। मंत्री गणेश जोशी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उद्यान विभाग के अपर निदेशक आरके सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और अब आरके सिंह जो उद्यान विभाग के अपर निदेशक हैं, उनको सस्पेंड किया जाएगा। इसके पीछे की वजह काम में लापरवाही बरता करते थे। चमोली से अगली खबर, बद्रीनाथ पे हुई जमकर बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर बर्फ की ओढ़ ली है और सैलानियों ने वहां पर प्रकृति का काफी लुत्फ उठाया है। बर्फबारी के बाद मौसम भी सुहावना हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। इस बीच यहां मौसम ने करवट बदली, बर्फबारी शुरू होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश वहां कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है तो श्रद्धालु और पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, और बद्रीनाथ धाम के पीछे आपको जो पहाड़ी नजर आ रही होगी, ऊंची ऊंची चोटियों पर देखिए किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और नजारा एकदम शानदार वहां से नजर आ रहा है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, बद्रीनाथ में दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदली और धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली जिले में सुबह से ही मौसम खराब था। धाम में ऊंची चोटियों पर ताजी बर्फ जम गई है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिससे मौसम में ठंडक आ गई। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत बर्फबारी हो रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जय बाबा, जय बाबा। यमुनोत्री धाम समेत आसपास की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई तो निचले हिस्से यमुना घाटी में भी बूंदाबांदी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। सितंबर अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश हुई, इसका असर कोहरे और कड़ाके की ठंड के रूप में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव आ रहा है, उससे चक्राता जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बारिश और तापमान गिरने की संभावना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगले दो दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। टीम न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। बर्फबारी के बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गर्भगृह में भगवान के दर्शन पूजन किए। उन्होंने इस दौरान परिसर में बद्रीनाथ की सभी पूजाओं में प्रतिभाग किया। बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम भारत के पहले गांव अमाणा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फबारी हो रही है। हम सब बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। इस बात में ऐसी प्रार्थना मैंने प्रतीक्षा किसी की और आज यहाँ पर पहुंची हूँ पहले गाँव भारत के और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के रोहडू विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी शशि बला के चुनाव प्रचार में मौसम खराब होने के कारण रोहडू नहीं पहुंच पाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से रोहडू की जनसभा को उन्होंने वर्चुअली ही फिर संबोधित किया। 2022 का विधानसभा का चुनाव जो 12 नवंबर को जिसकी वोटिंग होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में
एक तरफ वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके कारण से हिमाचल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार ने एम्स खोलने का काम किया है, आईआईएम खोलने का काम किया है, तमाम सारी सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज आगे गति को बढ़ाया है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जब जब हिमाचल की सरकार में आए, जब जब उनको काम करने का अवसर मिला, जब जब सरकार में रहने का मौका मिला, तो उन्होंने केवल और केवल निजी हितों की स्वार्थ पूर्ति की है। कनखल के निर्मल अखाड़े में विवाद हुआ। एक गुट के कई संतों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। पहले से काबिज गुट ने आरोप लगाया है अखाड़े पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। अखाड़े में हालात अब तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ संतों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको हरिद्वार से सामने आई, जहां पर कनखल के निर्मल अखाड़े में यह विवाद हो गया और इस विवाद के चलते एक गुट के कई संत, देखिए वहां पर किस तरीके से विवाद में ये तमाम संत जो है वो यहां पर अरेस्ट होते हुए नजर आया। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में उस वक्त ही विवाद खड़ा हो गया था जब पंजाब से आए संतों के एक गुट ने अखाड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया था। इस दौरान संतों के दो गुट आमने सामने आ गए। संतों में विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। तुरंत ही हरिद्वार के कई थानों की पुलिस और पीएसी की टीम अखाड़े पहुंच गई। अधिकारियों के काफी समझाने के बाद भी संत नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया और कनखल थाले में बैठा दिया। निर्मल अखाड़े के दोनों पक्ष एक दूसरे पर अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने कहा है कि किसी अतिथि में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा। जहां पंजाब से कुछ 100 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के एकदम अखाड़े में घुस गए आज, और अस्थियां विसर्जन करने के बहाने अखाड़े में आने का उनका वो हो गया और आकर के अब कहते हम तो जहां बैठेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई अखाड़े के पदाधिकारी नहीं है, कोई अखाड़े के सदस्य नहीं है। पंजाब से और लोगों को गलत अंसरों को साथ में लेकर के इनके 12 आदमी कितने खड़े हैं, ये केवल कब्जा करने की नीयत से जो अखाड़े में जहाँ जहाँ आए हुए हैं और जो आरोप लगा रहे हमारे ऊपर और महाराज जी के ऊपर, जिनका अभी तक पर्सनल अकाउंट तक नहीं है। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि निर्मल अखाड़े में कुछ लोग जो हैं पंजाब से आकर यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं, तो मौके पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स आई थी और जो लोग इसमें कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे या जिनके ऊपर शिकायत करी जा रही थी, पुलिस उन्हें कानून और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थाने ले गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। अखाड़ों के बीच की संपत्ति को लेकर विवाद अब सामने नजर आ रहा है। आज सुबह का ही मामला है, कंकर स्थित जो निर्मल अखाड़ा है वहां पर संपत्ति को लेकर एक विवाद सामने आया है। 2000 काफी पुराना ये पूरा मामला था, लेकिन आज सुबह एक गुट यहां पर पहुंचा और करीब 40-50 के ये लोग थे, साथ में लोग थे और यहां पर कब्जा करने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उसी के बाद पुलिस प्रशासन को यहां पर बुलाया गया और पुलिस प्रशासन ने अपना मोर्चा संभाला और साथ साथ जो दूसरा गुट था उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संत भी यहां पर मौजूद है और उसके साथ साथ पुलिस बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो संतों के बीच की लड़ाई है कभी कभार ये दूसरा एक रुख ले लेती है जिससे कई खतरनाक पहलू यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर शांतिपूर्वक है और ये जो पूरा मामला है वो फिलहाल अदालत में चल रहा है, लेकिन जो दूसरा गुट है उसे अभी यहां से बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल जो पूरा मामला है वो शांतिपूर्वक है। तुषार गुप्ता, न्यू स्टेट, हरिद्वार। और वन विभाग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाथियों की अदला बदली में उलझे उत्तराखंड और गुजरात। हाथियों की अदला बदली में घमासान हो चुका है। बिना केंद्र की अनुमति के गुजरात भेजे गए हाथी, पूर्व में रहे वन्य जीव प्रतिपालक ने बिना अनुमति के यह हाथी भेजे थे। शासन ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही वन विभाग के बड़े अधिकारियों पर एक्शन संभव है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि वन विभाग को लेकर अब अदला बदली में
हाथियों को लेकर, खास करके उत्तराखंड और गुजरात का ये पूरा मामला है। हाथियों के अदला बदली में ये घमासान यहां पर सामने आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, हाथियों की अदला बदली में जो ये घमासान पूरा चल रहा है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी बताइए। देखिए, हाथियों को लेकर बवाल उत्तराखंड में मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड से गुजरात में हाथी भेजे जाने थे और केंद्र से इसके लिए बाकायदा अनुमति उत्तराखंड को लेनी होती थी, लेकिन बिना अनुमति के ही उत्तराखंड ने गुजरात में हाथी भेज दिए। जो पूर्व में वन्य जीव प्रतिपालक रहे, उनको उन पर ये कार्रवाई हो सकती है। बिना केंद्र की अनुमति के उन्होंने यहाँ से हाथी गुजरात में भेजे थे, जो एक तरह से उल्लंघन है नियमों का, और इस पे ये बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो सकती है और कुछ अलग कठोर कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शासन ने अब मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही वन विभाग के बड़े अधिकारियों पर एक्शन संभव है। उत्तराखंड और गुजरात में हाथियों की अदला बदली को लेकर यह पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें वन विभाग की तरफ से अब एक्शन लिया जाएगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होंगे। छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 17 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होंगे। 12 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। आगामी 17 नवंबर को गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा। वहीं 12 नवंबर में नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी दिन मतपत्रों की भी जांच के बाद दावेदारों की घोषणा की जाएगी। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने तक कोई भी अप्रिय घटना या फिर हुड़दंग ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में पीएसी भी तैनात कर दी गई है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। छात्रों में छात्र संघ चुनाव को लेकर जोश भी नजर आ रहा है। विभिन्न छात्र संगठन अपने पक्ष में मतदान के लिए छात्रों को अपनी ओर करने में जुटे हुए हैं। छात्र संघ चुनाव से पहले ही एबीवीपी को एक बड़ा झटका लगा। एबीवीपी द्वारा अमन पंत को संगठन से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद एबीवीपी से ही अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे गौरव मोहन नेगी ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का मन बना लिया। सभी ने यहाँ पर इस्तीफा दिया। हमारे साथ जितने भी हमारे 200 कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने भी यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया। हमारा मुख्य कारण जो रहा कि हमने 7 साल से, अपनी बात करूँ तो मैं 7 सालों से यहाँ पर संघर्ष करता रहा विद्यार्थी परिषद में, और विद्यार्थी परिषद ने आज अपने मूल सिद्धांतों को भूलकर आज जो संगठन में ऐसे कार्यकर्ता जो आज धनबल से